गाइज, हम आए ब्रिजवासी स्वीट्स। यहाँ पे हल्दीराम और बीकानेर तो है नहीं, लेकिन ब्रिजवासी की बहुत बड़ी मोनोपोली है। और कहा जाता है कि मथुरा में, वृंदावन में पेड़े जिन्होंने शुरू करे हैं, मतलब जिन्होंने अपने घर से बनाना शुरू किया था, वो है ब्रिजवासी स्वीट्स। ये इतनी पुरानी और इतनी लेगेसी वाली दुकान है, और देखते हैं कि जितनी बड़ी दुकान है क्या उतना अच्छा टेस्ट है या नहीं। तो चलो फिर अंदर चलते हैं और देखते हैं क्या क्या वैरायटी तो इनके पास ह्यूज है। मिठाइयाँ भी है काफ़ी सारी, और नमकीन और बहुत सारी चीज़ें हैं। लाइक बेसिकली जैसे अपने यहाँ पे हल्दीराम बीकानेर है, बिल्कुल वैसा ही बना हुआ है। तो चलो फिर आओ चलते हैं अंदर। ये भैया ये पेड़े हैं स्पेशल। क्या बादाम मिल गया यार, स्वाद ही आ गया। दिल्ली चने इसको बहुत ही बढ़िया, उमदा मज़ा। एक सी पॉन ले लेती हूँ यार, बढ़िया, बहुत बढ़िया। हाँ हाँ, जितने का भी है, जितने का भी हो, बहुत बढ़िया। आई स्वेयर दिस इज वन ऑफ द बेस्ट बादाम मिल्क आई हैड। रसमलाई थोड़ी छोटी है, आई थिंक कितने की है, 25 रुपए के हिसाब से थोड़ा छोटा साइज है, क्योंकि अपने दिल्ली में भी 25 रुपए की मिल जाती है, थोड़ी बड़ी होती है। रसमलाई को ओके ओके लगी, कुछ ज्यादा मीठी है, जितना बढ़िया ये तो उसके हिसाब से मुझे ये ओकेश लगा कि कुछ ज्यादा ही मीठी है और स्पॉन्जी नहीं है, मतलब थोड़ी सी हार्ड है। थोड़ा पेड़ा भी खा लेते हैं। पेड़ा बढ़िया है, पेड़ा इनकी दुकान से मैंने पहले भी खा रखा है, 400 रुपए किलो का है एंड काफी बढ़िया होता है। अब खमन भी ट्राई कर लेते हैं। अपने यहाँ दिल्ली में इसको ढोकला कहते हैं, लेकिन यहाँ पे इसको खमन कहते हैं। बढ़िया यार खमन। ओवरऑल मुझे ओकेश लगा, बट ये बहुत फेमस दुकान है यहाँ पे, मतलब यहाँ पे समझ लो जैसे दिल्ली में अपने यहाँ पे हल्दीराम बीकानेर है, वैसे यहाँ पे मथुरा में ब्रिजवासी बहुत फेमस है। दिल्ली में भी आता है इनकी बहुत सारी चीज़ें, सो ओवरऑल गुड एक्सपीरियंस। इसमें तो मेरा दिल जीत लिया। इनके मल्टीपल लोकेशन है, और गोकुल, वृंदावन, मथुरा, टोटल 9 लोकेशंस है, और कोई फ्रेंचाइजी नहीं है। सो आप जहाँ पे भी जाओगे आपको टेस्ट सिमिलर ही मिलेगा। रेडियो वाला